मन जब 5 साल के थे उन्हें तब से चश्मा लग गया। उस वक्त उनके चश्मे का नंबर ज्यादा नहीं था, पर मन को चश्मा पहनना एकदम पसंद नहीं था, इसलिए उन्हें जब भी मौका मिलता वो चश्मा उतार देते। कई कई घंटे चश्मा नहीं लगाते। बहुत लोग ऐसा करते हैं और इसका नतीजा ये हुआ कि आंखों पर उनके काफी ज्यादा जोर पड़ने लगा, चश्मे का नंबर भी बढ़ गया। मन अब 25 साल के हैं और उनके चश्मे का नंबर है 8। उन्होंने आंखों की ऐसी सर्जरी के बारे में सुना है जिससे चश्मा हटाया जा सकता है। मन ये सर्जरी करवाने के लिए बहुत उत्सुक थे। हाल फिलहाल में उन्होंने लेसिक से भी बढ़िया सर्जरी के बारे में सुना है जिसका नाम है कॉन्ट्रा विजन। इसमें ना सिर्फ चश्मा हट जाता है बल्कि इसके बाद और ज्यादा साफ दिखाई देने लगता है। पर मन थोड़ा घबराए हुए हैं। इस सर्जरी को लेकर उनके मन में कई सारे सवाल हैं। क्या ये सर्जरी सेफ होगी? इससे कोई साइड इफेक्ट या फिर दर्द तो नहीं होगा? इस सर्जरी की कीमत कितनी होगी? कोई भी फैसले पर आने से पहले वो इन बातों का जवाब जानना चाहते हैं। अब कई लोग चश्मा हटवाना चाहते हैं या लेंस नहीं लगाना चाहते, ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? हमने ये पूछा डॉक्टर्स से, तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि चश्मा हटाने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल की जा सकती हैं और उनमें से सबसे बेस्ट कौन सी है। देखिए, चश्मा हटाने की आज की डेट में 3 पॉपुलर टेक्नोलॉजीज हैं। पहली टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है लेसिक लेजर, दूसरी टेक्नोलॉजी का नाम है स्माइल और तीसरी टेक्नोलॉजी का नाम है कॉन्ट्यूरा विजन। इसमें तीनों ही टेक्नोलॉजीज लेजर विधि का इस्तेमाल करती है आंखों से चश्मा हटाने के लिए, और इन तीनों में कॉन्ट्यूरा विजन आज की डेट की सबसे पॉपुलर और एडवांस टेक्नोलॉजी है। देखिए, चश्मा हटाने की जो पुरानी टेक्निक्स हैं जैसे लेसिक और स्माइल, ये सिर्फ चश्मे का नंबर हटाती थी। मतलब जो नजर आपको चश्मे के साथ मिल रही है वो ही नजर आपको बिना चश्मे के मिल जाएगी। लेकिन कॉन्ट्यूरा विजन में 2 नई एडवांसमेंट्स आई हैं। इसमें पहली एडवांसमेंट को हम कहते हैं कॉर्नियल इररेगुलरिटीज रिमूवल और दूसरी एडवांसमेंट को कहते हैं विजुअल एक्सिस ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्यूरा के बाद क्वालिटी आती है वो स्माइल और लेसिक से कई गुना बेटर आती है। इनफैक्ट कॉन्ट्यूरा वाले पेशेंट्स एक सुपर विजन को एक्सपीरियंस करते हैं कि वो एक नॉर्मल इंसान से भी ज्यादा देख सकते हैं। देखिए, कॉन्ट्यूरा विजन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही सेफ टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी से हम लोग रोज ही ऑपरेशन करते हैं। इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में इस टेक्नोलॉजी को यूज करा जा रहा है। इनफैक्ट इस टेक्नोलॉजी को USFDA से मान्यता भी प्राप्त है। इनफैक्ट कॉन्ट्यूरा विजन प्रोसीजर इतना एडवांस्ड है कि इस प्रोसीजर में कोई दर्द नहीं होता, कोई इंजेक्शन नहीं लगता, कोई टांका नहीं होता, कोई पट्टी नहीं होती, कोई ब्लेड नहीं होता, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती, कोई भर्ती नहीं होती। आज ऑपरेशन कराया, कल से दिखना शुरू, 3-4 दिन का परहेज है, फिर आप सब कुछ कर सकते हो। वेल, कॉन्ट्यूरा विजन एंड ऑफ द डे है तो एक मेडिकल प्रोसीजर ही, और हर मेडिकल प्रोसीजर के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्यूरा विजन में हम लोग बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं देखते। इसमें हम लोग ऐसा देखते हैं कि ऑपरेशन के तुरंत बाद आपको आंखों में थोड़ी सी जलन लग सकती है, आंखों से पानी निकल सकता है, आंखों में थोड़ी सी चौंध लग सकती है, और ये प्रॉब्लम 2-3 दिन में ठीक हो जाती है। कोई प्रॉब्लम जो थोड़ा लंबे समय के लिए चलती है वो है ऑपरेशन के बाद आंखों में ड्राइनेस आना, और ये ड्राइनेस कॉन्ट्यूरा में भी आती है, स्माइल में भी आती है, लेसिक में भी आती है, और इस ड्राइनेस को ठीक होने में 2-3 महीने लगते हैं, जिस दौरान आपको अपनी आंखों में लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स को यूज करना होता है। कॉन्ट्यूरा विजन टेक्निक में 8 तक का नंबर ठीक किया जा सकता है, और अगर किसी मरीज का नंबर 8 से ऊपर है तो ऐसे पेशेंट्स में एक दूसरी तरह की टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग ICL कहते हैं, जिसमें आंख में एक लेंस डाला जाता है, उस टेक्निक से चश्मे का नंबर ठीक किया जाता है। तो आज की डेट में हम 0.5 से लेके 24 नंबर तक का चश्मा बिना किसी प्रॉब्लम के बहुत ही आराम से हटा सकते हैं। तो भाई, जो भी लोग चश्मा हटवाना चाहते हैं उनके लिए कॉन्ट्यूरा विजन एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, इससे ना सिर्फ चश्मा हटता है बल्कि आपको सुपर विजन मिल जाता है,
यानी और ज्यादा साफ दिखाई देने लगता है। अब रही बात इसकी कीमत की, तो आपको ये सर्जरी करवाने में लगभग 95,000 का खर्चा पड़ेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए रोज सुबह उठने के बाद चेहरा सूजा हुआ क्यों लगता है। रोज सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो क्या आपको अपना चेहरा सूजा हुआ लगता है? अगर हाँ तो इसके पीछे कुछ चीजें जिम्मेदार हो सकती हैं। पहली बात, आपको अपने तकियों और चादरों से एलर्जी हो सकती है। तकियों और चादरों का सुंदर दिखना ही काफी नहीं होता है। आप रोज उन पर कम से कम 9 घंटे सोते हैं, इसलिए जरूरी है कि वो साफ हो। पर सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, वो किस मटेरियल के बने हुए हैं इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। अब अगर आपका चेहरा और खासतौर पर आंखें सुबह सूजी हुई होती हैं, तो इसका मतलब है कि आपको एलर्जी है। या तो आपके तकिए रुई के नहीं है बल्कि पंख से भरे हुए हैं, या वो सिंथेटिक कपड़े से बने हुए हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो चांसेस है कि आपके सूजे हुए चेहरे के पीछे एलर्जी का हाथ हो। दूसरी बात, आपको मून फेसिस की समस्या है। मून फेसिस कुशिंग सिंड्रोम के कारण होता है। अब ये क्या होता है? मून फेसिस में चेहरे के साइड में फैट जमा हो जाता है। ये ओबेसिटी के कारण भी हो सकता है, पर ऐसा होने के पीछे कई बार कुशिंग सिंड्रोम जिम्मेदार होता है। एक तरह की कंडीशन होती है, इसमें आपका चेहरा पहले से ज्यादा भरा हुआ और सूजा हुआ लगता है। ये तब होता है जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं। उस समय आपके शरीर में एक हार्मोन रिलीज होता है और उसका नाम है कोर्टिसोल। लंबे समय तक कोर्टिसोल के ज्यादा बनने से ये प्रॉब्लम होती है। अगली बात, अगर आपने ऐसा कुछ खाया है जिसमें नमक ज्यादा है तो आपका चेहरा सूजा हुआ लगेगा। वो इसलिए क्योंकि नमक शरीर में पानी को जमा कर देता है, यानी होता है वाटर रिटेंशन। पानी शरीर के बाहर नहीं आ पाता है, इसलिए चेहरा और शरीर सूजा हुआ लगता है। आखिरी चीज है हॉर्मोन्स। जब भी हॉर्मोन्स में कोई उथल पुथल होगी उसका असर आपके चेहरे पर भी दिखेगा। आपने नोटिस किया होगा कि महिलाओं में पीरियड शुरू होने से पहले शरीर काफी ज्यादा सूज जाता है, इसलिए सूजे हुए चेहरे के पीछे हॉर्मोन्स जिम्मेदार हो सकते हैं। अगर चेहरे की ये सूजन बनी हुई है तो जरूरी है कि आप डॉक्टर को दिखाएं। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए आंखों को हेल्दी रखने के लिए क्या खाएं। अच्छी सेहत के लिए जरूरी है एक अच्छी डाइट। अब आप अपनी आंखों को हेल्दी रखने के लिए क्या खा सकते हैं, यह हमें बताया डॉक्टर करुणा चतुर्वेदी ने। आंखों के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए और जिंक जैसे पोषक तत्वों वाले फूड आइटम्स खाना अच्छा होता है। इसके लिए मछली जैसे कि सामन, मेवे, बीज और दाल शामिल करने की सलाह दी जाती है। आप अखरोट, काजू, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, मूंगफली और दालों को अपनी डाइट में जगह दें। नींबू, संतरा, अंगूर जैसे खट्टे फल खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, साथ ही गाजर, शकरकंद जैसी चीजें खाइए। इसके अलावा अंडे भी आंखों के लिए फायदेमंद होते हैं, ये विटामिन ई और जिंक का एक अच्छा सोर्स है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।